Assalamu alaikum, students of class 7. Welcome to another lecture of your grammar portion. Come towards page number 13 of your Skylark book. What are homophones? As you have studied earlier, ke pair of words kya hote hain? Pair of words ko homophones bhi kaha jata hai. Okay, so what is the definition of homophones? Homophones are words that sounds the same as another word, but they have different meaning and different spelling. कौन से लफ्ज़ होते हैं होमोफोन्स? ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ यानी तलफ़ एक दूसरे लफ्ज़ जैसी होती है, लेकिन उनके हिज्जे और मायने मुख्तलिफ होते हैं. मसलन देयर, देयर और दे आर वग़ैरह. क्या मतलब? मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं. अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स नहीं हैं, हम उनको देखते हैं. अलाउड, अलाउड मतलब ये वाले अलाउड का मतलब होता है बुलंद आवाज़ से. इस अलाउड का मतलब है इजाज़त दी जाना. एट, खाया, ई आई जी एच टी एट, आठ मीन्स द न्यूमेरिकल नंबर एट. बॉल, गेंद, बॉल, चीखना. बेयर मीन्स नंगा. बियर मीन्स रीच. बीट मीन्स चुकंदर, बीट रूट. बीट मीन्स पीटना, बी डबल ई टी वर्ड चुकंदर सब्जी जो होती है आपकी. ब्लू मीन्स नीला. ब्ल्यू मीन्स मुंह से निकली हुई हवा या जो हवा चल रही होती है उसको ब्ल्यू कहते हैं. इसी तरह ये सारे वर्ड्स आपके पास गिवन हैं विद योर विद द उर्दू मीनिंग. ब्राइडल मीन्स दुल्हन से मुतालिक जो भी बात होती है, और ब्राइडल मीन्स घोड़े की लगाम. कैनन बड़ी तोप, कैनन उसूल, और कैनन एक ब्रांड का भी नाम है. इसी तरह कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एलिसिट मीन्स निकालना, और इलिसिट मीन्स गैर कानूनी. फेयर उम्दा, एफ ए आर ई फेयर मीन्स किरियाना, या सॉरी किरियाना नहीं मतलब किराया, किराया जो आप लोग देते हैं. फेयर्स आपके ड्यू हैं, फी पे करना, ये सारी चीज़ें. ये मुख्तलिफ होमोफोन्स आपको दिए हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, जिनका जिनकी साउंड तो सेम होती है लेकिन वो स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके सिलेबस रिलेटेड होमोफोन्स हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद सेंटेंसेस.